वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ग्लोबल मिडास फाउंडेशन जो हमारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, अपने थर्ड ईयर ऑपरेशंस में है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले दिल्ली एनसीआर से, फिर पंजाब में भी कई जगहों पे अपनी हेल्थ केयर लंगर सेवा दी, जहाँ पर हम लोगों ने 150 से ज़्यादा हेल्थ कैंप्स लगाए। उसके साथ में हम लोगों ने ड्रग डी एडिक्शन के लिए और रिहैब के लिए भी इस तरीके के कैंप्स लगाए। दिल्ली के अंदर दो हमारी जो एसोसिएट संस्थाएं हैं, मानव परोपकारी संस्था, उनके ड्रग डी एडिक्शन सेंटर चलते हैं। इसी के साथ में हम लोगों ने फिर वहाँ पे मेंटल स्ट्रेस और एनजाइटी, जो चाहे ड्रग अब्यूज़ की वजह से हो या नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की वजह से किसी हाउसहोल्ड में हो या किसी और सामाजिक परेशानी से हो, तो उसके लिए हमने माइंड माई माइंड के साथ मिलके एक ऑनलाइन सिस्टम जो क्रिएट किया है उन्होंने, उसको हम लोगों ने ग्रास रूट तक पहुँचाया। तो अब उसका बेनिफिट पूरी संगत ले रही है, देश में और विदेश में, ऑनलाइन कहीं से भी। तो इसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि अब हम लोगों का जो ये हेल्थ केयर का मॉडल है, स्पेसिफिकली प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर, साथ में जहाँ पर इस तरीके से चैरिटेबल टेस्ट और लैब टेस्ट फैसिलिटीज़ भी हम लोगों ने करवाई है, और उसी के साथ में ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ और मेंटल हेल्थ केयर के लिए रिहैब के, काउंसलिंग के और प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मेजर्स की हमारी डेडिकेटेड टीमें इतने सालों के तजुर्बे के साथ हमारे साथ मिलके जॉइंटली काम कर रहे हैं। तो उसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इस तरीके से आप चाहते हैं कि आपके किसी पिंड में या आपके किसी विलेज में या आपके किसी होम टाउन में आप किसी तरीके का ड्रग डी एडिक्शन सेंटर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और चाहते हैं उसको प्रोफेशनली टीम आके मैनेज करें, तो वो काम हमारी टीम कर सकती है। इसी तरीके से मोबाइल मेडिकल यूनिट होते हैं, जिसके अंदर एक ऑपरेटिंग ओपीडी की तरह एक वैन जाती है, जिसके अंदर डॉक्टर्स भी होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी होता है, जो ऑन रोड एज अ डिस्पेंसरी तरह अलग अलग विलेजेस में अलग अलग दिन में जाके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट पहुँचा सकती है। इसी तरीके से साथ में ड्रग अब्यूज़ के लिए और मेंटल हेल्थ केयर के लिए भी MMU बना के जाई जा सकती है, जो अलग अलग दिनों पे अलग अलग विलेज में जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पेनिट्रेशन हो। तो चाहे कहीं पे इस तरीके की चैरिटेबल डिस्पेंसरी विद चैरिटेबल लैब टेस्ट फैसिलिटी, या उसके साथ में इस तरीके से MMU जो OPD का काम करे, उसके साथ में अगर कोई चाहता है कि ड्रग डी एडिक्शन के लिए और रिहैब का वहाँ पे सेंटर बने, जिसके अंदर ड्रग अब्यूज़ के साथ में जो है मेंटल हेल्थ केयर के रिलेटेड इश्यूज़ भी वहाँ के लोगों को मुहिम कराए जाए, तो इस तरीके का सेंटर प्लस इस तरीके की डेडिकेटेड विलेज वाइज अगर आप बोलें या डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो हमारी टीम ऑनलाइन इसके अंदर सेटअप कर सकती है एक डेडिकेटेड कॉल सेंटर, जहाँ पे स्पेशलिस्ट अवेलेबल रहेंगे और उसको केटर करेंगे। तो मैं पूरी संगत से देश में, विदेश में और स्पेसिफिकली NRI कम्युनिटी से अपील करूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप अपने किसी भी पिंड में, विलेज में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई ऐसी चैरिटेबल क्लिनिक या ड्रग अब्यूज सेंटर या रिहैब सेंटर या मेंटल हेल्थ केयर सेंटर बनाना चाहें, या ऑनलाइन ऐसा एस्टैब्लिश करना चाहें एक डेडिकेटेड सेंटर, जहाँ पे ड्रग अब्यूज़ से रिलेटेड और साथ में मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ केयर से रिलेटेड सॉल्यूशन दिए जाएं, तो हमारी जो संस्थाएं हैं वो इसमें काफ़ी सक्षम है। तो तीनों ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल मिडास फाउंडेशन, मानव परोपकारी संस्था और माइंड माई माइंड मिलके इस तरीके का प्रोजेक्ट बेसिस के ऊपर एस्टैब्लिश करना, ऑपरेट करना और क्वालिफाइड मेडिकल स्टाफ को लाके डेडिकेटेडली अपने संगत की और अपनी पंथ की सेवा करने में सक्षम है। तो इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पे और हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, और उसके साथ जहाँ पर आप चाहते हैं हम आपके लिए ये सर्विस अवेलेबल करवा सकते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।